बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम एयररिंग्स बनाएंगे, एक छोटी सी जो है एयर स्टड सा। उसके लिए मुझे थोड़े से बीड्स चाहिए, थोड़े लंबे से। मुझे मार्केट में अवेलेबल नहीं थे तो मैंने सोचा मैं खुद ही क्ले के बना लूं, और साथ ही साथ मैंने सोचा आपके साथ भी वीडियो जो है वो शेयर कर दूं किस तरीके से बनाना है। बीड्स बनाने के लिए मैं टूथपिक ले रही हूँ, क्योंकि मैं दो बीड बनाने हैं, इस वजह से मैं दो टूथपिक्स ले रही हूँ। उसके बाद मुझे ग्रीन कलर के बीड्स चाहिए थे, इस वजह से मैं ग्रीन कलर की क्ले यूज़ कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं ये वाला स्केल यूज़ करूँगी। ये स्केल किस लिए यूज़ करने हैं, क्योंकि मुझे बीड्स एक ही साइज़ के चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसमें से एक साइज़ जो है उसके बीड्स जो हैं वो मैंने, चूँकि मैंने इतने का बनाना है तो मैंने ये वाला साइज़ सेलेक्ट कर लिया है। और क्या करना है, आपने क्ले लेनी है, उसको राउंड बॉल बनाना है और चेक करना है जो साइज़ आपको चाहिए उसके अंदर वो फिट हो रहा है या नहीं। अभी मैंने साइज़ सेलेक्ट कर लिया है, अब बीड बनाना है। चूँकि मुझे थोड़ा सा जो है वो ओवल शेप में चाहिए बीड, ये तो मैं इसको थोड़ा सा जो है ये देखें इस तरीके का मुझे इस शेप का चाहिए था। मैंने दूसरा भी सेम दोनों, क्योंकि मैंने बीड्स एक साथ ही बनाने हैं ताकि जो है वो मेरी जो क्ले है और बीड्स हैं उसमें डिफरेंस ना आए। जब इस तरह का कुछ करना हो तो आप दोनों जो हैं एक जैसे बनाया करें ताकि एक साथ ही, क्योंकि बीच में जब आप गैप दे देते हैं बनाते हुए तो फिर जो है वो एक छोटा और एक बड़ा हो जाता है। अब ये देखें, ये मेरे पास दोनों आ गए। अब तरीका क्या करना है इसमें होल करने का, टूथपिक को जो है वो मैं वैसलीन के अंदर इस तरीके से मैंने उसको अंदर डिप कर दिया है। अब बिल्कुल इसके सेंटर में से यहाँ से ये, अब यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये यहाँ से निकाल के जो चीज़ें मुझे इसमें अब थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है या थोड़ा सा जो है वो उसके अंदर ये देखें अब इसको मैं ड्राई होने के लिए रख दूंगी। ये मुझे इतना लंबा बीट चाहिए था जो कि मुझे मार्केट में अवेलेबल नहीं था, तो इस वजह से जो है वो मैंने कहा मैं खुद ही बना लेती हूँ। आपके पास कोई भी जो है वो कलर, क्योंकि बाज़ों का तो आपको जिस कलर में चाहिए होता है उस कलर में जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, या लोकल मार्केट्स वगैरह में चीज़ अवेलेबल नहीं होती, ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप इस तरीके से जो है वो आराम से खुद ही अपने लिए बना सकते हैं। ये देखें, इसी तरीके से मैं इसको ड्राई होने के लिए रख दूंगी। ड्राई होने के बाद इसको फिर इसमें से रिमूव करूंगी। और एक चीज़ और याद रखिएगा, बीट के ऊपर आपने क्रैक्स नहीं लेके आने। अच्छा, अगर आप इस बीट को थोड़ा सा डेकोरेट करना चाहते हैं, मतलब इसके अंदर आप थोड़ा सा जो है वो पैटर्न्स वगैरह देना चाहें, थोड़ा सा डॉट्स वगैरह रखना चाहें, मतलब आप अपने हिसाब से इसके अंदर बीड्स लगाना चाहें, नग लगाना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का जो है वो बीट तैयार कर सकते हैं। मुझे सिंपल बीट चाहिए था तो इस वजह से मैं सिंपल ही रख रही हूँ इसको। आपको टू शेड्स में चाहिए तो आप बेशक टू शेड्स में भी बना सकते हैं। इसी तरीके से आप टू शेड के क्ले लें और उसको रोल बना के उसको इसी तरीके से बीट बना सकते हैं। राउंड बीट चाहिए या आपको इसी तरीके से ओवल में चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट हो, जितना बड़ा बीट चाहिए उस हिसाब से आप उसको बना सकते हैं। अब हम रोज़ बनाएंगे इसके बाद, बीट के बाद अब हम रोज़ बनाएंगे। रोज़ जो है वो उसका ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी दे भी चुकी हुई हूँ, मगर ये मैं थ्री शेड्स में बनाना चाह रही हूँ तो इस वजह से मैंने सोचा आपके साथ जो है वो ट्यूटोरियल शेयर कर दूँ। तीन कलर्स में मैं यूज़ कर रही हूँ, सेम जो है ग्रीन में ही तीन डिफरेंट शेड्स बनाए हैं। शेड्स का जो है वो ट्यूटोरियल किस तरीके से बनाना है उसका ट्यूटोरियल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आई बटन में भी मौजूद होगा, आप दोनों जगह से चेक कर सकते हैं। अब मैंने क्या करना है, इसके जो है छोटे से बॉल्स बनाने हैं, क्योंकि मैं सबसे सेंटर वाला पार्ट ले रही हूँ तो उसके लिए मैं ऑलमोस्ट जो है वो फाइव छोटे से बॉल्स लूँगी। मैं बहुत बड़ा रोज़ नहीं बना रही, छोटा सा जो है वो रोज़ बना रही हूँ। ये इस तरीके से जो है ये छोटे से जो है मैंने बॉल्स लिए हैं, इनको फ्लैट करूंगी
आप देखें कोई भी दो टोन का जो फ्लावर बनाना है वो आप इसी तरीके से प्रोसीजर से बना सकते हैं। टू टोन्स का बनाना है, थ्री टोन्स का बनाना है, मतलब आप जितने भी उसमें कलर्स ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं, उतनी ही क्ले जो है वो आप ऐड करेंगे। अब इसको मैं अच्छे तरीके से फ्लैट कर दूंगी, यहाँ से इसको इस तरीके से बेंड करूंगी। अच्छा, साथ ही साथ मैं इसमें वो चीज़ भी दिखा समझा दूंगी, मुझसे किसी ने कहा है कि रोज़ का जो है वो एक्सेस उसको रिमूव करना जो है वो उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं साथ में वो भी सिखा दूंगी। ये देखें, साथ साथ मैं करती जा रही हूँ और नीचे से मैं इसको इस तरीके से प्रेस कर रही हूँ ताकि जो है इसकी ग्रिप भी साथ साथ ही बनती जाए। ठीक है, आपने इसी तरीके से करना है। ये देखें, ये एक पैटर्न लगाने के बाद आपने उसको इस तरीके से जो है ये देखें, ये देखें खुद ब खुद एक्सेस होता जा रहा है और मैं उसको नीचे तक लेके जा रही हूँ। अभी कट नहीं करना मैंने इसको, ठीक है। अब मैं साथ ही साथ जो इसके बाद वाला कलर है उसके भी मैं जो है चार से पांच जो है उसके भी मैं पेटल्स बनाऊंगी, ठीक है। वो थोड़े से साइज में बड़े लूंगी क्योंकि जैसे जैसे हमारा रोज़ बड़ा होता जाएगा हम पेटल्स जो हैं उसके थोड़े बड़े लेना स्टार्ट कर देंगे ताकि उसको जो है वो रिक्वायर्ड जो उसकी कवरिंग है वो पूरी हो सके। ये भी मैंने पांच ही पेटल्स लिए हैं, इनको मैं फ्लैट कर दूंगी। देखिए मैं फ्री हैंड रोज़ बना रही हूँ। रोज़ के मैं काफ़ी ज़्यादा टाइप्स बना चुकी हुई हूँ, आप उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ये मैंने सारे पेटल्स बना लिए हैं, ये देखें इससे वन शेड लाइटर है ये। अब मैं इसको किस तरीके से लगाऊंगी, ये मैंने लिया, उसके बाद मैंने साथ ही दूसरा वाला पेटल ले लिया, उसके बाद मैंने तीसरा वाला पेटल ले लिया, ये चौथा वाला पेटल भी इसी तरीके से। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया लेकिन मैं उसको स्टॉप नहीं कर रही, इसी तरीके से चलाते जाना है, ये देखें, ठीक है। अब ये वाला शेड मेरा कंप्लीट हो गया। अब जो लास्ट वाला शेड है थोड़ा सा डार्कर है, मैं उसके भी जो है वो सिक्स पेटल्स बनाऊंगी, थोड़े से बड़े बनाऊंगी। देखिए मैं जितना मेरा रोज़ बड़ा होता जा रहा है मैं साथ ही साथ जो है वो क्ले भी उसके लिए ज़्यादा लेती जा रही हूँ। सिंपल सा मैं आपको सिखा रही हूँ, इसका बहुत ईजीएस्ट वे है रोज़ का, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करनी होती है क्योंकि रोज़ सब फ्लावर्स में से ये एक फ्लावर ऐसा है जिसकी बहुत प्रैक्टिस करनी होती है, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका अच्छा और डिफरेंट टाइप्स के जो रोज़ेस हैं वो आपके बनना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले छोटे फ्लावर से जो है, छोटे रोज़ से जो है वो आप स्टार्ट करें, जितना स्मॉल आप स्टार्ट करेंगे रोज़ की प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको इनक्रीज़ करके उसका साइज़ जो है वो बड़ा करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आपको जब बेसिक उसकी टेक्निक पता चल जाएगी तो फिर आप कोई भी रोज़ जो है उसको इजीली जो है वो यूज़ कर सकते हैं, उसमें ग्रिप आपकी आ सकती है। ये देखें पेटल्स मेरे हो गए हैं। अब ये वाला जो पेटल मैंने यहाँ पे स्टॉप किया था इसी के अंदर मैं ये वाला पेटल दूंगी, ये देखें इस तरीके से।
अब आप क्या करेंगे इसको, अगर आपने थोड़ा सा जो है वो खोलना है, मतलब इसके ये जो रोज़ है इसको थोड़ा सा ओपन करना है, ये देखें, ये इस तरीके से इसको थोड़ा सा ओपन करना है। अब आपने क्या करना है, ये यहाँ से देखें, मैं इसको साथ साथ ही जो है वो ऐसे हाथ की मदद से, ये देखें ऐसे कर रही हूँ, थोड़ा सा जो है इसको इस तरीके से खोल दीजिए। और ये देखिए मेरा ऑलरेडी ये खुद ही रिमूव हो रहा है, मुझे जिसने कहा था ना कि मुझे मसला आ रहा है कट करते हुए, ये देखें वो मैंने इतना उसको कर दिया हाथ की मदद से ही कि वो खुद ब खुद ही जो है वो रिमूव हो जाता है। ये देखें इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे, ड्राई होने के बाद जो है फिर हम इयररिंग, तब तक मेरे बीड्स भी ड्राई हो चुके होंगे, उसके बाद ही हम फिर रिंग इयररिंग्स बनाएंगे। तो ये मेरा बीड जो है वो ड्राई हो चुका हुआ है, ये देखें इसको जब तक ये फुली ड्राई नहीं हो जाता तब तक इसको जो है इसमें से निकालना नहीं है, नहीं तो ये श्रिंक होगा जब, तो इसका जो होल है वो बहुत छोटा हो जाएगा। अब ये मेरा फुली ड्राई हो चुका हुआ है। अच्छा, एक चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि आपका जो ये बीड होगा इसको फुली ड्राई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये आपका ड्राई नहीं होगा, इसके अंदर मॉइस्चर होगा, तो आप अगर ये इस तरह के वायर्स वगैरह यूज़ करेंगे तो वो बहुत जल्दी जो है वो ख़राब हो जाएंगे, वो रस्ट उसको लग जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आपने फुली जो है वो अपने बीड्स को या क्ले का काम करना हो तो जब तक वो फुली ड्राई नहीं हो जाते तब तक उसके ऊपर नेक्स्ट प्रोसीजर नहीं करना। ये दो मैंने एक और फ्लावर्स ट्राई किया था सेम टेक्निक पे, लेकिन मैंने जो है वो डार्क कलर्स सेंटर में यूज़ किया पहले, सबसे पहले डार्क कलर, फिर लाइटर और लाइटेस्ट कलर, फिर उस तरीके से मैंने उस बेस पे बनाया था कि चेक कर लूँ मैं किस तरह से लगते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो फ्लावर है मेरा ये भी ड्राई हो चुका हुआ है। अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर वाला जो है मैं ये ले रही हूँ, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है हुक्सा जो है तो आप जो है वो सिंपल जंप रिंग वगैरह जो है उसकी मदद से भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसका ट्यूटोरियल भी मैं जो दूसरी इयररिंग्स सिखाई थी उसमें मैं दे चुकी हुई हूँ। थोड़ी सी क्ले लेंगे हम लोग, किस तरीके से करना है, थोड़ी सी क्ले लेंगे, ग्लू लेंगे हम लोग और इस चीज़ को। अच्छा, इसका जो है आपने एक चीज़ याद रखना है, ये थोड़ा सा जो है यहाँ से ज़्यादा है ये जो हुक है और इसका यहाँ से कम है, तो इस पोजीशन को आपने बिल्कुल सामने रखना है। इसके ऊपर मैं ग्लू लगाऊंगी, ग्लू में आपने बहुत ज़्यादा जो है पानी ऐड नहीं करना, पानी अगर बहुत ज़्यादा ऐड होगा, जितना ज़्यादा ये पानी में ज़्यादा इसके अंदर क्वांटिटी होगी उतना ही ज़्यादा जो है वो ये जो नीचे वाला आपका बेस है ये रस्ट कर जाएगा, इस वजह से अवॉइड करना है। ये देखिए मैंने इसको रफली सा जो है वो इस तरीके से, ये अब इसके ऊपर अगेन हम लोग ग्लू लगाएंगे, ग्लू बेशक ज़्यादा लगा दीजिएगा वो ड्राई हो जाती है, उससे कोई मसला नहीं होता, ग्रिप अच्छी हो जाती है। ये देखिए मैंने आई पिन को इस तरीके से ऊपर से जो है वो उसको बेंड किया हुआ है, जस्ट ग्रिप सिंपल, अगर आप स्ट्रेट इसको यूज़ करेंगे तो उसकी ग्रिप नहीं होगी, वो बहुत जल्दी जो है वो यहाँ से निकल आएगा, इस वजह से ग्रिप बनाने के लिए मैं इसको बेंड कर रही हूँ। ये देखिए मैं एंड तक जो इसकी वायर है वहाँ तक इसको ले के गई हूँ। अब इसके ऊपर मैं दोबारा ये जो खाली जगह इसने की है उसको ग्लू से फिल कर दूंगी और ये जो मेरा रोज़ है इसको इस तरीके से जो है प्रेस करूंगी। ये अब ये देखिए पीछे से ये जो क्ले है एक्सेस में ये निकल आई हुई है, तो उसको मैं क्या करूंगी, उसको टूथपिक्स वगैरह की मदद से इस तरीके से फ्लैट कर दूंगी ताकि जो इयररिंग्स हैं वो थोड़ी सफाई से बने। ये देखिए ये अब मेरी ये जो है इसको मैं ड्राई होने के लिए रख दूंगी, इसको फुली ड्राई होना है उसके बाद ही हम इसको यूज़ करेंगे। अब जो ये बीड है इसको किस तरीके से बनाना है, बीड के लिए मैं नीचे ये वाला जो है ये यूज़ कर रही हूँ एज अ जो है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। इसको मैंने इसके अंदर डाला नीचे से, ये देखें, और ऊपर से मैं ये एक हुक सा जो है ये बीड का ये इसके अंदर डाल रही हूँ। ये देखें ये मेरी क्ले की बीड है और आप देखें ज़रा इसकी खूबसूरती कितनी ज़्यादा है। आपको जो है अगर बाज़ार से रिक्वायर्ड बीड अवेलेबल ना हो तो आप क्ले का जो है वो बीड बना सकते हैं
और ये देख लें कितना खूबसूरत है। आप इसको अपने रिक्वायर्ड कलर के हिसाब से जो है वो बना सकते हैं, और सेम वैसा ही बीड होता है ये। ये देखें, अब ये मेरा बीड बन गया है। अब सिंपल हमने क्या करना है, इसको ड्राई होने के लिए रखा हुआ है, तो ये जब ड्राई हो जाएगा इन दोनों को बस ज्वाइन करना है। किस तरीके से, अभी मेरी रिंग जो है वो ड्राई नहीं हुई, लेकिन मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ। आपने इसको फुली ड्राई होने के लिए रखना है, उसके बाद करना है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, इसको मैंने बंद नहीं किया, ये देखिए मेरी इयररिंग जो है वो रेडी है। मैंने ये सारी क्ले से बनाई है। होप सो आपको जो है ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ट्यूटोरियल कैसा लगा है। कोई भी मसला हो, कुछ भी पूछना हो, ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।